कल को मान ला पीयूष बड़ा हो गया, इसकी शादी हो गई, इसकी कोई और हो गई, चुप जा बात करने दे, शादी हो गई शादी हो गई। Hey guys, good morning, welcome to my new vlog। तो guys, आज जाने का टाइम आ चुका है, 3 दिन से हम गांव में, आज हमारा तीसरा दिन है, तो अम्मा से मिलने गया, मैं तो आपसे मिलने आया था स्पेशल। मैंने मेरे को पता है, तो 3 दिन तक मैं अम्मा के साथ में रहा, 3 दिन तक मस्त रेस्ट किया, तो अब जाएंगे, जाना तो पड़ेगा ना, क्योंकि फिर जाना भी है और भी मेरे प्लान्स हैं, कहीं बाहर भी जाना है मुझे, लेकिन अम्मा तो आएगी नहीं ना, अम्मा तो अगले महीने आएगी, अगले महीने आएंगे, अभी यहाँ दादाजी अकेले ठहरे, तो फिलहाल आज जाएंगे वापस हल्द्वानी, फिर आऊंगा मैं दोबारा, जब मैं जाऊंगा तो रोना मत, ठीक है, पक्का पक्का नहीं रहोगे, अभी तो नहीं, शाम के टाइम पे निकलेंगे हम। तो गाइस, मुझे ना आप लोगों को दिल से थैंक यू बोलना था, बिकॉज आप लोगों की वजह से मैं अब गांव आ पाता हूँ, मतलब जब मेरा मन करे मैं गाड़ी उठाए गांव आ सकता हूँ, जो कि पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था, पहले मेरा सपना होता था कि मैं गांव जाऊँ, हम साल में एक बार गांव जाते थे, वो भी मतलब इतनी मुश्किल से, हम 2 दिन का ट्रैवल करके 4 बस चेंज करके हम गांव आते थे 2-3 साल पहले के होता, और मेरा सपना होता था कि गांव जाऊँ, और अब देखो कभी भी मैं गाड़ी उठा के गांव आ सकता हूँ, ये सिर्फ आप लोगों की वजह से हो पाया पॉसिबल, आप लोग इतना सपोर्ट करा, हमारे पास गाड़ी भी है, कभी भी मैं यहाँ पे आ सकता हूँ अम्मा बाबू को देखने के लिए, दिल से सबको थैंक यू सो मच यार, इतना बड़ा सपना पूरा करने के लिए मैं कभी भी आ सकता हूँ अब गाँव। भाई हमको पहले 4 बस चेंज करनी पड़ती थी, पहले हरियाणा से दिल्ली, दिल्ली से आनंद विहार से हल्द्वानी, हल्द्वानी से यहाँ, 4 बस चेंज करनी पड़ती, और पूरे 2 दिन लगते थे आने में, और अब देखो गाड़ी उठा के मैं एक ही दिन में यहाँ पहुँच जाता हूँ, एक ही दिन में यहाँ से हल्द्वानी, तो मतलब ये सब सिर्फ आप लोगों की वजह से पॉसिबल हो पाया, अगर आप लोग नहीं होते तो मैं अभी भी वहीं हरियाणा में ही होता, और फिर वही ड्रीम होता कि हम गांव जाएंगे, फिर वही बस में जाना पड़ता, आप लोगों ने लाइफ चेंज कर दी, और पहले हम साल में एक बार आते थे, अब मैं हर महीने आ जाता हूँ, हर महीने में भी 2-3 बार आ जाता हूँ कई बार, तो हाँ काफ़ी अच्छा लगता है। तो भी गाइस एक बहुत बड़ी दिक्कत हो गया है, मेरा सोचो सी आर्ट्स वाला इंस्टाग्राम अकाउंट ना पता नहीं डिलीट हो गया, वो शो ही नहीं कर रहा, ना मैं उसको लॉगिन कर पा रहा, उस पर अराउंड 4 लाख फॉलोअर्स थे, और मैंने इतनी मेहनत की थी ना, एक एक ड्राइंग, एक एक आर्ट वर्क बना के मैंने डाला था उस पर, मतलब स्टार्टिंग ही मैंने उससे की थी, और वो अकाउंट पता नहीं कहाँ चला गया, डिलीट ही हो गया वो अकाउंट। गाइस उस अकाउंट में तो मैं सिर्फ ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, आर्ट वर्क्स ही डालता था, और कुछ डाला ही नहीं मैंने आज तक, बट फिर पता नहीं कैसे डिलीट हो गया, मतलब एक मेल आया उसमें लिखा हुआ है कि तुम्हारा गाइडलाइन के खिलाफ है, मैं गाइडलाइन के खिलाफ क्या है भाई, सिर्फ ड्राइंग्स ही तो डाली है उस पर, और जिस बंदे ने रिपोर्ट करी है ना वही मुझे इंस्टाग्राम पर स्टोरी में टैग कर रहा है, देखो मैंने रिपोर्ट करी है, मेरी वजह से तुम्हारा अकाउंट गया है, देख लो ऐसे बंदे भी हैं। अब मैं वीडियो में दिखा दूँ तो मैं दिखाऊंगा नहीं ऐसा, क्योंकि मुझे पता है कि उसकी बेचारे की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, लेकिन मुझे पता है वापस आ जाएगा जहाँ तो मुझे लगता है, बिकॉज मेरी कोई गलती नहीं है इसमें, कोई गाइडलाइन खिलाफ नहीं है, लेकिन जो ऐसे लोग होते हैं रिपोर्ट करने वाले, फालतू का रिपोर्ट करने वाले, उनको देख के हंसी आती है कि मतलब खुद तो कुछ कर नहीं पाते और दूसरों को भी नीचे गिराते रहते। आप मेरा अकाउंट डिलीट करा दोगे, लेकिन आप मेरी आर्ट थोड़ा डिलीट करा सकते हो, मेरे अंदर से जो मैं बनाता हूँ, जो मैं ड्राइंग बनाता हूँ, वो थोड़ा डिलीट करा सकते हो, वो तो मेरे हाथों में है ना। अब तो मुझे आ जाता है, बिकॉज ऐसा मेरे साथ में बहुत होता है, बहुत गलत करते हैं, बहुत गलत बोलते भी हैं, मैं इतना ट्रैवल करता हूँ, आपको लगता है इतना ट्रैवल करने में सब कुछ सही होता हुआ, अच्छे लोग मिलते होंगे, मैं कभी भी व्लॉग में नहीं दिखाता हूँ, बिकॉज मुझे पता है मैंने व्लॉग में दिखा दिया, मेरे व्लॉग सब देखते हैं, उनकी लाइफ ख़राब हो जाएगी, मैं सोचता हूँ चलो जाने दो यार कोई बात नहीं, क्योंकि हर किसी का माइंड सेट अलग होता है, क्या पता क्या माइंड सेट से वो बात कर रहा है, क्या पता घर से लड़के आया हो, क्या कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए मैं जाने देता हूँ, छोड़ो यार। मेरे माइंड में ये आता है कि एक छोटी सी गलती की वजह से मैं उसकी लाइफ ख़राब कर दूँ, उसकी वहीं जॉब करता होगा उसको, वहीं पर उसको सब बोलेंगे तो उसकी जॉब ख़राब कर दूँ, तो मेरे माइंड में ये आता है, इसीलिए मैं सोचता हूँ जाने दो यार कोई बात नहीं। तो फिलहाल अब खाना खाते हैं, खाना रेडी हो गया, तो आज बने मस्त कढ़ी चावल, बारिश स्टार्ट होगी तो भी गाइस खाना हो गया मस्त, अब कल से मिस करूँगा गाँव के खाने को, क्यों मस्त टेस्ट, अलग ही टेस्ट आता है इसमें, क्योंकि चूल्हे में बनता है ना, तो चलो फिलहाल बर्तन धोते हैं और चलते हैं। तो भी गाइस जाने का टाइम आ चुका है, अम्मा बाबू बाय बाय, अम्मा रोना मत, ठीक है रोना मत, रोना मत, चलो भाई। ओ भाई बहुत भारी है, तो बहुत भारी है, तो अभी थार अपनी रेडी है, सामान डालते हैं और चलते हैं। तो थार के अंदर सारा सामान पैक कर दिया, इसमें आलू सब्जियां वगजियां, देखो सब्जी वब्जी सब ले जा रहे हैं हम, और ये मेरा बैग, चलो इसको बंद करते हैं और चलते हैं, प्रणाम, ठीक है याद आएगी आपकी, ठीक है बाबू प्रणाम, ठीक है बाय अम्मा बाय, चिंता नहीं करिए, रोना मत रोना, ठीक है बाबू बाय, मैं कुछ दिनों में आता हूँ जल्दी, जिस दिन मुझे रेस्ट लेना होगा मैं सीधा आपके पास आ जाऊंगा, भाग के सीधा भाग के आ जाऊंगा, अकेले मत आना या चाचा को या पापा को, हाँ ठीक है बाय बाय। गाइस बाहर का मौसम देखो, बिल्कुल फॉग ही फॉग, कुछ दिख ही नहीं रहा भाई। तो गाइस हल्द्वानी तो पहुंच गए और यहाँ ही बारिश हो रही है देखो, तो फाइनली गाइस घर पहुंच गए, शाम के 7 बज गए भाई, मतलब पूरा दिन ड्राइव ही कर रहा था मैं और थक गया हूँ, अब चलते हैं सबसे मिलते हैं पीयूष कुनाली सबसे, मम्मी आपस से, और यहाँ तो बारिश हो रही है बहुत तेज, मतलब पूरे रास्ते बारिश ही बारिश थी। ओलू कौन आया, ओलू सर्दा आ गए हैं वाली, और भीग गया तू, मम्मी भीग रखा है ये कुनाली,
कुणाल तो सोया हुआ है भाई, 7 बजने वाले, अभी तक सोए हो। पीयूष कहाँ है? ये वॉशरूम में रहता पूरा दिन, वॉशरूम में बस। वॉशरूम और इसका पता नहीं क्या नाता है हमेशा, वॉशरूम और खाना, खाना वॉशरूम, खाना वॉशरूम। और ये देखो बस क्यूब में लगा रहता है। और पता है ये क्यूब इसने नया मंगाया, दिखाइयो गाइस, गैस कर सकते हो कितने का मंगाया ये? गाइस 900 का, 900 कितने का? 900 भाई, 900 रुपए। क्या है इसमें 900 रुपए का? ये मैग्नेट है इसमें, सब इसमें। पता नहीं क्या शौक चढ़ गया इसको, इसका क्या भूत चढ़ गया इसको, हाथ तो बहुत तेज चल रहे हैं। कर दिया? अरे वाह, सीख गया। बस यही तो हो रहा था ना, मेरे हाथ ज्यादा तेज हो रहे थे, क्यूब बहुत स्लो हो जा रहा था, देखो इसमें फंस जाता है, देखो। अच्छा ये पुराने वाला है गाइस, ये देखो ये कितने रुपए का आता है? 120 का लिया। ये 120 का और ये 900 रुपए, क्या फर्क है दोनों में? कुछ फर्क नहीं लगेगा आपको। है भाई देखो, इसमें मैग्नेट सी है, इसमें मैग्नेट है, ठीक है गाइस। मैं भी सीख गया, ये देखो ये गाइस है, मैं इसे करके दिखाता हूं। कुनाली को भी आ गया, रहने दे, पागल बना रहे सबको ना, पागल बना रहे ना। देख तो अभी फिलहाल ओरियो की मालिश चल रही है, ओरियो को ना ऐसे सहलाना अच्छा लगता है, देखो सिर पे भी, गले में भी, पेट में भी, खुश जाता है, कितना खुश हो गया, खुश होगी लड़की। तो आप जब भी घर में आओ ओरियो को बस ऐसे कर देना, बस ओरियो खुश हो जाएगा काफी। उठ जा, उठ जा। हाँ तो मम्मी यहाँ सब्जी काट रही है, तोरी की सब्जी। और साहिल घर पे नहीं है, साहिल फरार है, पता नहीं कहाँ है। सबको घर बहुत पसंद आ रहा है, बस आपको सब पसंद नहीं आया। सभी कह रहे हैं मम्मी पापा को मनाओ। कल को मान ला पीयूष बड़ा हो गया, इसकी शादी हो गई, इसकी कोई चुप जा, बात करने दे। शादी हो गई, शादी हो गई, उसकी शादी कितने साल का है वो अभी? शादी बता, 15 साल बाद शादी होगी उसकी। 15 साल तक मान लो, 15 साल बाद शादी हुई तो 15 साल में हम ग्रो नहीं करेंगे क्या? 15 साल में कहाँ होंगे हम? 15 साल बाद की बात सोच रहे हैं, 15 साल के बाद शादी होगी फिर क्या होगा? चलो तुम बना लो, साफ सफाई कौन करेगा उसकी? मैं करूँगा। खाने की थाली उठाता नहीं है वहाँ पर से, स्कूल से आगे कपड़े फेंक देता है और ये सफाई करेगा। मेरे को भी एक्सपोज कर रहे बड़े मियां, आप चाहे तो दूसरा कर देना। प्लीज गिव एन एनर्जेटिक एंड वार्म वेलकम टू द वन एंड ओनली सौरभ जोशी। अभी तो शुरुआत है लाइफ में, बहुत आगे जाओगे, बहुत तरक्की करोगे। गाइस जब भी मैं लो फील करता हूँ ना, तो मैं ये वाली वीडियो देखता हूँ, संदीप महेश्वरी सर और मेरा सेशन, तो मतलब देख के मतलब फेस पे इतनी तगड़ी स्माइल आती है ना, जो कि और कहीं नहीं आती, कहीं भी नहीं आती कभी। और मतलब सारी बातें मेरे दिमाग में आती, जो भी संदीप महेश्वरी सर ने मुझे बताई थी कि किस तरह से क्या करना है, कि सब कुछ मेरे दिमाग में आता है और इतना पॉजिटिव, इतना मोटिवेशन आ जाता है। तो मैं देखता रहता हूँ ये वाली वीडियो, मैं देखता रहता हूँ, तो मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना, तो फिलहाल देख रहा हूँ भाई। थोड़ा बहुत लो लग रहा था मुझे, ड्राइव भी करके आया था मैं। मैं अपनी लाइफ में कितने बड़े से बड़े सेलिब्रिटी या फिर किसी से मिल लूँ, मुझे वो फील नहीं आएगा जो मुझे संदीप महेश्वरी सर से मिल गया है ना। मतलब मेरा तो हो गया, जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया। तो भाई कुनाली को तो मिलना है टेक्नो गेमर से, तो मिलवा देंगे, मेरा तो फ्रेंड है अच्छे। जब जाऊंगा ना दिल्ली, जब आपको लेके जाऊंगा तो कुनाली को मिला दूंगा टेक्नो गेमर से। ये उन्हीं की वीडियो देखते रहते ना, काम नहीं मिला, पढ़ाई तो करनी होती है। तो भी चाय जी बुला रहे कुनाली को पढ़ने के लिए और ये जा नहीं रहा। टेक्नो गेमर से नहीं मिलना, मिलना है ना, जाओ पढ़ाई करो। गया तो भी कुनाली को बिठा दिया पढ़ाई करने के लिए। पीयूष को देखते हैं आईपैड में लगा या पढ़ाई कर रहा है, देखते हैं। 50-50 चांस है, 50% आईपैड में भी लगा सकता है या फिर पढ़ाई भी कर रहा होगा, देखते हैं। सरप्राइज, आईपैड में भी लगा और पढ़ाई भी कर रहे हैं, नोट्स हैं। अच्छा तो गाइस डिनर रेडी हो गया, तो चलो खाते हैं। मैं तो खाऊंगा सिर्फ तोरी रोटी। पापा जी अपनी रूपा की बनियान में, पापा जी रूपा की बनियान में, कच्चे में तू भी है। मैं तो निकर में हूँ, एक अच्छा होते निकर है, निकर नहीं है। गई सभी खाने में लगे हुए हैं, ओरियो को नहीं दे रहा, ओरियो बेचारा देख रहा है, ओरियो कोई खाना नहीं दे रहा, ओरियो कोई खाना नहीं दे रहा, ओरियो कोई खाना नहीं दे रहा। खाना तो इसको और रोटी देना, आज मैं खिलाऊंगा ओरियो, आज को नाली खिलाएगा। क्या हुआ? आज एक्साइटमेंट, खाना खिलाने की एक्साइटमेंट। तोड़ के दो, तोड़ के, हाँ तोड़ के और तोड़ो। क्या हुआ? अच्छा गर्म हो रही क्या? देखो कैसे देख रहा, देखो मुंह नहीं मारता, जब तक दोगे नहीं ना मुंह नहीं मारता। देखो ओ, ओ, भाई। क्या हो गया? ये क्या कर दिया रोटी का, ये क्या कर दिया? छोटे छोटे पीस बना दो, ले औरी ले, यहीं पे यहीं पे। हाँ दे दो। तो गाइस मैंने तो खा लिया सबसे पहले एज यूजुअल। बाय कुनाली। अब कुनाली अभी छोटे क्यों? कम खाते हो? तो अभी गाइस रात के 11 बज गए हैं, एडिटिंग कंप्लीट हो गई। फिलहाल मैं इस व्लॉग को एंड करता हूँ, आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना एंड चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। आपको छोटा घर क्यों चाहिए? छोटा नहीं चाहिए, घर तो ठीक ही चाहिए। क्यों रहना अकेले?
ना क्यों कह रहे हो फिर? मैं तो तेरे साथ ही रहूंगी। ना क्यों कह रहे हो फिर? अच्छा ना, तो मैं वैसे कह रही हूँ, थोड़ा अलग सा और बन जाएगा, बनेगा तो घर वही जो करते वो करो, जो करते वो करो।